जनपद जालौन से इस वक्त की बड़ी खबर। घरेलू लाइन में उतरा हाई टेंशन लाइट का करंट, एक युवक की मौत, कई ग्रामीण हुए घायल। आपको बता दें कि यूपी के जालौन में अचानक घरेलू लाइन में हाई टेंशन लाइट का करंट उतरने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कई ग्रामीणों के करंट की चपेट में आने से घायल हो गए एवं लाखों के उपकरण जलकर फूंक गए। वहीं जानकारी के मुताबिक कैलिया थाना क्षेत्र के ग्राम हिंगुटा गांव में रखे विद्युत ट्रांसफार्मर से घरेलू लाइन में अचानक हाई टेंशन लाइट का करंट घरों में दौड़ गया, जिससे करंट से एक युवक की मौत हो गई, जबकि कई ग्रामीण घायल बताए जा रहे हैं। वहीं गाँव में कई घरों में करंट दौड़ने से ग्रामीणों के उपकरण भी जलकर खाक हो गए। वहीं लाइन में ज्यादा वोल्ट का करंट आने से गाँव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया गया कि गांव में बिजली के सारे उपकरण जल गए, जिसके बाद सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस एवं नायब तहसीलदार संजय सिंह ने मृतक युवक के शव को कब्जे में ले लिया और घायलों को स्थानीय उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। आपका नाम क्या है? अनुष्का। कहाँ की रहने वाली? आपको ये करंट लगा, कैसे लगा, क्या है मामला? हम कूलर बंद करने जा तो बच्चे को उठाने जा रहे थे कि बच्चे को उठा ले इधर पार हुआ तो वो एकदम आओ करंट से लाइट को। तो आपके गांव में कितने लोग करंट लगाए गांव में लगभग? उनसे पूछो ना, वो तो पति है मेरा। आपका नाम क्या है? आकाश। कहाँ के रहने वाले हो? हिंगुटा। आपके करंट लगाए, कैसे लगा, क्या मामला पूरा? हम चल रहे थे, उसमें जो पंखा खड़वाड़ा ना उसी को पकड़ लिया। फिर कहाँ लगी आप करंट, कहाँ पे लगाए? कहाँ के रहने वाले हो? कैसे ये कैसे आपके गांव में करंट आया, क्या है पूरा मामला और कितने लोग घायल, क्या हुआ आपका? साढ़े पाँच बजे एकदम करंट था, आगे लग गई तार में, तार टूट के गिर पर। अच्छा, तो इस हादसे में कितने लोग घायल हुए और कौन की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? रविंद्र की मौत हो गई, घायल होंगे और कई है गांव में घायल। अच्छा, गांव में लगभग कितने लोग घायल होंगे और गांव में कितने लोगों के कूलर को सुनने? कूलर भर गए, किसी को नहीं बचो। अच्छा, किसी के ना कूलर पंखा किसी के नहीं बची पूरे गांव में। रविंद्र आपका कौन था लड़का? जालौन से यूपी 24 न्यूज के लिए मनोज शिवहरे की रिपोर्ट।